नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्डन विद सतपाल में। दोस्तों आइए आज चलते बात करते हैं गुलाब के बारे में कि हम सब अपने घरों में गुलाब के फूल रखते हैं और उनको उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों आप सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास 5 पौधे हैं गुलाब के। दोस्तों मैंने 7 पौधे लगाए थे और इनमें से ये जैसे ये एक मर भी गया, इस प्रकार से देखिए। तो ये अभी मेरे पास 1, 2, 3 देखिए 4 पौधे बचे हैं जो कि चारों ही कलर के हैं। ये पौधे मैंने अभी अपने ऐड किए हैं और जो मेरा पहला पौधा है इसके ऊपर एक फूल आ चुका है और दूसरी बड्स आनी शुरू हो गई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो दूसरा पौधा है इसके ऊपर अभी कोई बड्स नज़र नहीं आ रही और इस प्रकार से इस पे अभी टाइम लगेगा। जो तीसरा पौधा है इसके ऊपर मेरे 3 बड्स आए हुए हैं, 1, 2 और ये 3 इस प्रकार से। और जो चौथा पौधा है दोस्तों उसके ऊपर भी ये एक बड्स आया हुआ है, देख सकते हैं इस प्रकार से। और एक ये और अभी छोटा है काफ़ी, लेकिन बर्ड्स आया हुआ है इस प्रकार से दोस्तों। तो ये मेरे पास 4 पौधे हैं और चारों ही अलग अलग कलर के हैं और दोस्तों आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं कि अभी तो अच्छे हैं पौधे, सभी स्वस्थ हैं और अच्छी ग्रोथ पे हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि आप गुलाब को किस प्रकार से देख रेख करें और क्या क्या उसमें ग्रोथ प्रमोटर आप दे सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको बता दूं कि मैं जो बिल्कुल ज़ीरो बजट वाला और ऑर्गेनिक यूज़ करता हूँ। ये देखिए इसमें जो आप देख रहे हैं चावल के छिलके हैं, राइस हस्क, मैंने वो इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। दोस्तों हर 15 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करता हूँ मैं और इसमें मिट्टी में मिला देता हूँ ऊपर से और थोड़ा थोड़ा उसकी निराई गुड़ाई कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मिट्टी एकदम नरम है। आप भी ऐसे ही नमी बना के रखिए मिट्टी में और ज़्यादा पानी मत डालें, ना ही ज़्यादा सूखा रखें और ना ही ज़्यादा खाद डालें। दोस्तों अगर आप खाद की बात करें तो आप इसमें DAP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रोज़ फूड स्पेशल ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं आप, या बोन मील भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं दोस्तों मैं बात चाहता हूँ कि भाई जो लोग बोन मील इस्तेमाल नहीं करते या जो केमिकल पेस्टिसाइड या दूसरा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो आप अपनी रसोई से जो आपकी वेस्टेज है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं खाद के रूप में। दोस्तों ये तो मैंने बताया आपको कि ये राइस हस्क है। इसी प्रकार से इस ये आप राइस हस्क से इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। पौधों के बीच सभी स्वस्थ हैं और अपनी अच्छी ग्रोथ पे हैं इस प्रकार। दोस्तों दूसरे मैं आपको कहूँ, ये देखिए आपकी किचन के वेस्टेज से तैयार क्यों है लिक्विड, इसको आप ग्रोथ प्रमोटर भी कह सकते हैं, पेस्टिसाइड भी कह सकते हैं और इंसेक्टिसाइड भी कह सकते हैं। आप इसके ऊपर इसको 100 ml 1 लीटर पानी में डाल के उसका पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में कोई इंसेक्टिसाइड या फंगस की कोई दिक्कत है तो आप उसके लिए भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें दोस्तों।